हेलो दोस्तों, आज के इस सेशन में हम रॉक साइकिल के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। रॉक साइकिल क्या है, पहले तो आपको पता है अर्थ में एक तीनों टाइप के रॉक मिलते हैं दोस्तों। पहले इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, एंड थर्ड में दोस्तों क्या मिलता है दोस्तों, हमें मेटामॉर्फिक रॉक। ये जनरली आपको अर्थ में दुनिया में जितने भी रॉक देख पा रहे हो दोस्तों, आपको इसी तीन टाइप के ही रॉक आपको मिलेंगे। एक होता है सेडिमेंट्री, दूसरा होता है इग्नियस एंड तीसरा होता है मेटामॉर्फिक। दोस्तों जो रॉक फॉर्मेशन हुए हैं, पहले अर्थ में क्या होता था कि लिक्विड था दोस्तों। पहले अर्थ एक बहुत ही हॉट मोल्टन लिक्विड था दोस्तों, एवरेज 4.0 बिलियन ईयर्स में। उसके बाद दोस्तों धीरे धीरे क्रिस्टलाइजेशन हुआ, दुनिया में कुछ एग्जिस्ट नहीं करता था, लेकिन एग्जिस्ट क्या करता था दोस्तों, मैग्मा एग्जिस्ट करता था। इसका मतलब जो लिक्विड हॉट लिक्विड आप देख रहे हो उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, मैग्मा बोलते हैं। ओके, ये जो मैग्मा दोस्तों जब क्रिस्टलाइज करेगा, पहले अर्थ में क्या होता था दोस्तों, मैग्मा आएगा। पहले अर्थ में मैग्मा आएगा जो कि हॉट मोल्टन मटेरियल। जब मैग्मा दोस्तों कूलिंग एंड क्रिस्टलाइजेशन धीरे धीरे टाइम के बाद दोस्तों, अगर इस मैग्मा को आपने टाइम दे दिया और टेम्परेचर डिक्रीज करवा दिया, आर्टिफिशियल नहीं नेचुरली होता है, टेम्परेचर डिक्रीज करवाया, तो दोस्तों ये सॉलिडिफाई होगा, ये जो मैग्मा होगा कूलिंग एंड क्रिस्टलाइजेशन होगा दोस्तों। कूलिंग क्रिस्टलाइजेशन हमारा कौन सा रॉक तैयार बनता है दोस्तों, इग्नियस रॉक हमें दोस्तों मिलता है जब अर्थ में जो मैग्मा कूलिंग एंड क्रिस्टलाइजेशन कब होगा दोस्तों, टेम्परेचर डिक्रीज डाउन होने से। कूलिंग एंड क्रिस्टलाइजेशन। देन दोस्तों ये इग्नियस रॉक जो आप देख रहे हो, इसी इग्नियस रॉक में दो केसेस हो सकते हैं। एक तो इस इग्नियस रॉक के साथ दोस्तों वेदरिंग इरोजन हो सकता है। जब इसी इग्नियस रॉक के साथ वेदरिंग इरोजन होगा दोस्तों, और वेदरिंग इरोजन के बाद दोस्तों क्या होगा, सेडिमेंट बनेगा दोस्तों, सेडिमेंट। ये जब सेडिमेंट दोस्तों कंसोलिडेट कर जाएगा दोस्तों, सेडिमेंट मतलब ये समझ लीजिए कि इसका दोस्तों मतलब कि ब्रेकिंग डाउन प्रोसेस। इग्नियस रॉक का वेदरिंग इरोजन का मतलब यही है दोस्तों, ब्रेकिंग डाउन प्रोसेस से दोस्तों आपको सेडिमेंट मिलने वाला है। ये सेडिमेंट दोस्तों जब लिथिफाई हो जाएगा दोस्तों, और कॉम्पैक्ट हो जाएगा, तो आपको यहाँ पे क्या बनता हुआ देखेगा दोस्तों, सेडिमेंट्री रॉक आपको मिल जाएगा दोस्तों। इग्नियस रॉक, वेदरिंग इरोजन, सेडिमेंट जब लिथिफाई कर जाएगा दोस्तों, सेडिमेंट्री रॉक बनेगा। और ये सेडिमेंट्री रॉक में अगर कोई भी टेम्परेचर एंड प्रेशर एडिशन हो रहा है दोस्तों, सेडिमेंट्री रॉक में दोस्तों क्या हो रहा है दोस्तों, टेम्परेचर दोस्तों इंक्रीज हो रहा है, तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, हमें मेटामॉर्फिक रॉक ये दोस्तों बन जाएगा। किसी भी रॉक पे, अगर इग्नियस रॉक पे वेदरिंग इरोजन यहाँ पे हो रहा था, इग्नियस रॉक में अगर यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज हो गया दोस्तों, ये भी दोस्तों मेटामॉर्फिक। यहाँ पे दोस्तों टेम्परेचर एंड प्रेशर अगर इंक्रीज हो गया तो दोस्तों ये मेटामॉर्फिक रॉक को कन्वर्ट हो सकता है। तो इग्नियस रॉक, वेदरिंग इरोजन, सेडिमेंट बनेगा, सेडिमेंट से दोस्तों सेडिमेंट्री रॉक। अगर इसी सेडिमेंट्री रॉक पे टेम्परेचर प्रेशर ऐड हो रहा है, या इसी इग्नियस रॉक पे टेम्परेचर प्रेशर ऐड हो रहा है, तो दोस्तों ये मेटामॉर्फिक रॉक। और इसी मेटामॉर्फिक रॉक पे दोस्तों आपका और भी ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है दोस्तों, ये मेटामॉर्फिक रॉक क्या करेगा दोस्तों, मेल्ट कर जाएगा, और मेल्ट करने से दोस्तों मैग्मा तैयार हो जाएगा। देखिए दोस्तों, ये मैग्मा से इग्नियस रॉक, इसी मैग्मा से दोस्तों सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक रॉक, इसी मेटामॉर्फिक रॉक से अगर टेम्परेचर आ गया तो दोस्तों ये फिर से मेल्ट कर जाएगा, मैग्मा क्या हो जाएगा दोस्तों, मेल्ट कर जाएगा। मेल्ट होने से दोस्तों ये फिर से मेटामॉर्फिक रॉक मैग्मा बन जाएगा। इग्नियस रॉक पे भी अगर और भी टेम्परेचर आ गया किसी भी कारण से दोस्तों, किसी भी कारण मतलब देख सकते हैं, मतलब ये इग्नियस रॉक है, यहाँ पे फिर से वोल्केनिज्म हो गया होगा, तो ये इग्नियस रॉक फिर से मेल्ट कर जाएगा, मेल्ट से दोस्तों यहाँ पे फिर से ये दोस्तों मैग्मा बन जाएगा, मैग्मा से फिर से इग्नियस रॉक। अगर ये भी केस हो सकता है दोस्तों, सेडिमेंट्री रॉक, ये दो सेडिमेंट्री रॉक आप देख रहे हैं, सेडिमेंट्री रॉक
को भी अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करवा दें, ये डायरेक्टली दोस्तों आपको मैग्मा में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हैं, पहले हमारा क्या आया था दोस्तों, पहले हमारा मैग्मा आया था। मैग्मा जब सोलिडिफाई किया ओके, कैसे किया दोस्तों, टेम्परेचर ड्रॉप डाउन होने से, तो दोस्तों आपको इग्नियस रॉक बन गया। ओके, इग्नियस रॉक में दोस्तों वेदरिंग इरोजन होने लग गया, वेदरिंग इरोजन रॉक से दोस्तों लिथिफिकेशन देन आपको दोस्तों कॉम्पैक्शन सीमेंटेशन, ये प्रोसेस है दोस्तों। वेदरिंग के बाद दोस्तों जो रॉक सेडिमेंट मिलेगा दोस्तों, उनका सेडिमेंटेशन के बाद लिथिफिकेशन कॉम्पैक्शन हो जाएगा, डायजेनेसिस हो जाएगा, उसके बाद दोस्तों क्या बनेगा दोस्तों आपको सेडिमेंटरी रॉक। ओके, इग्नियस रॉक, वेदरिंग इरोजन दोस्तों सेडिमेंटरी रॉक, और सेडिमेंटरी रॉक से दोस्तों टेम्परेचर अगर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, सेडिमेंटरी रॉक से दोस्तों अगर टेम्परेचर प्रेशर ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है किसी भी कारण से दोस्तों, वो आपको बना के देगा क्या, मेटामॉर्फिक रॉक। कभी कभी क्या होता है कि इग्नियस रॉक पे भी डायरेक्टली टेम्परेचर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, इग्नियस रॉक पे दोस्तों डायरेक्टली टेम्परेचर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, तो क्या बनेगा दोस्तों आपको मेटामॉर्फिक रॉक बनेगा। और भी ज़्यादा अगर मेटामॉर्फिक रॉक बनने के बाद टेम्परेचर यहाँ पे और भी बन जाएगा दोस्तों, ये फिर से कन्वर्ट हो जाएगा हमारा मैग्मा को। ओके, ये एक पूरा टोटल साइकिल है। अगर सेडिमेंटरी रॉक पे डायरेक्ट टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, ये भी दोस्तों चेंज हो जाएगा। अगर यहाँ पे भी सेडिमेंटरी रॉक पे डायरेक्ट टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है कोई भी कारण से, यहाँ पे एक सेडिमेंटरी रॉक है दोस्तों, यहाँ पे वोल्केनिज्म हो गया, वोल्केनिज्म के कारण दोस्तों इसके जो टच मतलब कि कॉन्टैक्ट में आके दोस्तों मतलब कि इसके दोस्तों कॉन्टैक्ट में आके ये जो रॉक दोस्तों क्या करेगा दोस्तों, मेल्ट कर जाएगा। ओके, ये पहले क्या था दोस्तों, सेडिमेंटरी रॉक ये था। सेडिमेंटरी रॉक के साथ एक वोल्केनिज्म इवेंट हुआ दोस्तों, वोल्केनिज्म इवेंट होने के बाद ये रॉक क्या करेगा दोस्तों, मेल्ट कर जाएगा। ओके, मेल्ट करने से दोस्तों ये सेडिमेंटरी जो रॉक आप देख रहे हो दोस्तों, ये डायरेक्टली मेल्ट कर जाएगा और मैग्मा फॉर्मेशन कर देगा। ओके, मैग्मा से फिर से वही चालू रहेगा, इग्नियस रॉक, वेदरिंग इरोजन हो सकता है, नहीं तो टेम्परेचर प्रेशर बढ़ सकता है। टेम्परेचर प्रेशर बढ़ेगा तो आपका मेटामॉर्फिक रॉक, वेदरिंग इरोजन होगा तो सेडिमेंटरी रॉक, और सेडिमेंटरी रॉक के साथ अगर टेम्परेचर बढ़ गया तो फिर से मैग्मा हो जाएगा, और मेटामॉर्फिक रॉक पे फिर से टेम्परेचर बढ़ गया तो मैग्मा हो जाएगा, और नहीं तो इग्नियस रॉक पे भी अगर टेम्परेचर बढ़ गया तो ये दोस्तों मैग्मा हो जाएगा। टेम्परेचर बढ़ना ही, क्योंकि तीन रॉक आपको बता रहा हूँ दोस्तों, तीन रॉक जहाँ पे दोस्तों मेटामॉर्फिक रॉक का केस क्या होता है दोस्तों, टेम्परेचर प्रेशर यहाँ पे इंक्रीज होना मांगता है। ओके दोस्तों, यहाँ पे फिर से ये डायग्राम, मैग्मा, क्रिस्टलाइजेशन, इग्नियस रॉक से दोस्तों वेदरिंग इरोजन होगा, वेदरिंग इरोजन से सेडिमेंट बनेगा दोस्तों, सेडिमेंट डिपॉजिट करके लिथिफिकेशन कॉम्पैक्शन बनेगा, सेडिमेंटरी रॉक से मेटामॉर्फिक रॉक। तो ये दोस्तों जो टोटल आप देख रहे हैं दोस्तों, इसको हम इग्नियस साइकिल बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपको और एक चीज आपको बताना चाहूंगा, किसी भी रॉक पे टेम्परेचर और प्रेशर ज्यादा लोड हो रहा है तो क्या बनेगा दोस्तों, मेटामॉर्फिक रॉक दोस्तों ये बनाएगा। किसी भी रॉक पे दोस्तों बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ रहा है और वो रॉक दोस्तों मेल्ट कर रहा है दोस्तों, ये क्या बनेगा दोस्तों, मैग्मा बनेगा। और किसी भी रॉक दोस्तों सॉलिडिफाई कर रहा है, ये मेल्ट दोस्तों को कहीं पे भी मेल्टिंग दोस्तों सॉलिडिफाई कर रहा है दोस्तों, रॉक सॉलिडिफाई मतलब टेम्परेचर क्या होगा दोस्तों, डिक्रीज होगा। टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो मेल्ट होगा, मैग्मा होगा, टेम्परेचर दोस्तों डिक्रीज होगा तो क्या होगा दोस्तों, मैग्मा सॉलिडिफाई कर जाएगा, तो रॉक सॉलिडिफाई उसको हम बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या बनाएगा दोस्तों, इग्नियस रॉक बन जाएगा दोस्तों। ओके, मेटामॉर्फिक रॉक कैसे बनता है दोस्तों, टेम्परेचर प्रेशर इंक्रीज होने से। टेम्परेचर अगर ओनली टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो कोई भी रॉक मेल्ट कर जाएगा, मेल्ट मतलब मैग्मा फॉर्मेशन होगा, लेकिन टेम्परेचर अगर डिक्रीज कर रहा है किसी भी रॉक में, मतलब कि मेल्ट जब सॉलिडिफाई करेगा, रॉक नहीं, मेल्ट जब सॉलिडिफाई करेगा मतलब टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, तो इग्नियस रॉक बनाएगा दोस्तों। ओके, और दोस्तों कोई भी रॉक वेदरिंग एंड इरोजन हो रहा है तो दोस्तों वहाँ पे सेडिमेंटरी रॉक यहाँ पे बनेगा। सेडिमेंटरी रॉक वेदरिंग इरोजन से बनता है, इग्नियस रॉक दोस्तों मैग्मा सॉलिडिफिकेशन से बनता है, और अगर इसी रॉक में अगर कोई भी रॉक पे अगर टेम्परेचर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो वहाँ पे दोस्तों आपको मेटामॉर्फिक रॉक बनेगा। ज़्यादा टेम्परेचर प्रेशर इंक्रीज होने से दोस्तों मेटामॉर्फिक रॉक बनेगा। ओके दोस्तों, यही था दोस्तों हमारा रॉक साइकिल, जहाँ पे दोस्तों मैग्मा से कैसे इग्नियस रॉक से कैसे मेटामॉर्फिक और सेडिमेंटरी रॉक, और सेडिमेंटरी रॉक से कैसे हमारा मेटामॉर्फिक रॉक तैयार हो रहा है आपको यहाँ पे बताया गया। तो दोस्तों ये थोड़ा अच्छे से देख लेना। ओके
थैंक यू दोस्तों, और एक टाइम पे और एक नया चैप्टर लेके आप